हेलो लर्नर्स, माय नेम इज़ ओम प्रकाश कुमावत एंड आई एम फ्रॉम सीकेटी आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज न्यू पनवेल ऑटोनॉमस। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर सब्जेक्ट दैट इज़ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज़ पेपर नंबर 4 SY BCOM। सो इन आवर सिलेबस वी हैव 4 यूनिट्स, दैट इज़ फर्स्ट यूनिट इज़ इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट, सेकेंड यूनिट इज़ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, थर्ड यूनिट इज़ एसर्टेनमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, एंड फोर्थ वन इज़ That is last one unit, that is accounting with the use of accounting software. In this lecture, we are going to discuss types of companies and nature of companies of unit number 1. So, let's start. So, before that, we have to know the meaning of company, means what is company. So, the term company means a group of person associated for some common purpose. The purpose may be business, either research or charity or sports. It depends on aim of the person. So now we are going to discuss nature and characteristics of a company. So first, a company is created by law, that is registered under Companies Act. Koi bhi company agar register hota hai Company Act 2013 ke under, to usko bolenge hum company. Pehle chalta tha kaun sa? Companies Act 1956, और उससे पहले चलता था कंपनीज एक्ट 1913। अब देखो ये गैप, देखो पहले चलता था 1913, फिर आया 1956, ये अमेंड हुआ था, उसके बाद कौन सा है, सीधा 2013। गैप कितना है दोनों में? 100 ईयर्स का गैप है। और ये 1913 वाला कौन सा था? बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। और ये कौन सा है अपना? आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो कंपनी कोई जिंदा नहीं है, वो लॉ के अंडर क्रिएट होगा, लॉ के अंडर डिसॉल्व हो जाएगा। देन सेकेंड फीचर इज अ कंपनी यूजुअली हैव अ वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। नाउ व्हाट इज लिमिटेड? अगर मान लो कंपनी ने कोई लोन लिया है ना, सपोज करो 30 करोड़ का लोन लिया। अब मान लो कंपनी लॉस में चल रहा है, कंपनी लॉस में चलने के बाद भी कंपनी के पास पैसे बचे कितने? 10 करोड़। तो उसने लोन कितने का लिया था? 30 करोड़ का। उसके पास कितना है? 10 करोड़। तो ये पे कर देगा कितना? 10 करोड़ पे कर देगा। बचा कितना? 20 करोड़। अब ये पैसे कहाँ से देगा? अब ये पैसे अगर वो लिमिटेड कंपनी होगा तो इसको पे करने की जरूरत नहीं है। बट अगर ये अनलिमिटेड होता तो ये कौन देता? जो भी इसके ओनर्स होते हो, अपना पर्सनल प्रॉपर्टी यूज करके देना पड़ता है इसको। सो लिमिटेड मीन्स वॉट? कि अगर कंपनी डिजॉल्व होता है तो कंपनी बेच के जितने पैसे रिकवर होंगे उसी को यूज किया जाएगा वो डेट या लोन पे करने के लिए, इसमें पर्सनल प्रॉपर्टी यूज नहीं होगा। जैसे कंपनी कौन कौन सा, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गया, टाटा स्टील लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जैसे पार्ले लिमिटेड है आपका, देन ब्रिटानिया लिमिटेड, बहुत सारे कंपनीज है जो नॉर्मली लिमिटेड होंगे, अनलिमिटेड मुश्किल से मिलता है। देन नेक्स्ट नेचर और कैरेक्टरिस्टिक इज अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। मीन्स वॉट? कंपनी इज क्रिएटेड अंडर लॉ एंड इट इज डिसॉल्व्ड अंडर लॉ ओनली, सो इट डज नॉट हैव अ रिस्ट्रिक्टेड स्पैन ऑफ लाइफ। ये हमेशा चलता रहता है, जो कंपनी चलता रहता है उसको बोलते हैं अपन गोइंग कंसर्न। देन नेक्स्ट नेचर इज कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट डिसॉल्व बाय लॉ। ओके, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। देन नेक्स्ट वन इज अ कंपनी हैज इट्स कॉमन सील। कॉमन सील मीन्स वॉट? एक स्टैम्प होगा, नॉर्मली हर कंपनी का एक स्टैम्प होता है, राइट? तो ये कैसे यूज होता है? इट इज यूज लाइक अ सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी। ओके, तो ये था कौन सा? मीनिंग एंड नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। कंपनी मीन सिंपल, जो कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर होगा उसको बोलेंगे हम कंपनी। ये क्रिएट होता है अंडर लॉ और डिसॉल्व भी होता है अंडर लॉ। ओके, सो नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ अ कंपनी। सो देर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ कंपनी। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ members. Third one is on the basis of liability. Then on the basis of listing of shares under stock exchanges. And next other types. So let us discuss one by one. First one is on the basis of mode of registration. Under that there are 3 types. First one is statutory companies. Ab statutory company kya hoga? The companies which are registered under special act or state legislature आर कॉल्ड एज स्टैचुटरी कंपनीज। लाइक कौन कौन सा है? एक है RBI हो गया, LIC,
आरबीआई, ये पप्पा है बैंक का, मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और भी है इधर। सो ये होता है कौन सा, स्टैट्यूटरी कंपनी। ये जो बनता है कंपनी स्पेशल एक्ट के अंडर बनता है, जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर अगर लिख दिया कि ये ऐसे ऐसे एक्ट करके ये बनना चाहिए, तो जो बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग स्टैट्यूटरी कंपनीज। जैसे कौन कौन सा बना था, आरबीआई बना था, कब बना था सर, 1934 का एक्ट आया था उसके अंडर बना था, 1935 को ये बना था। जैसे एलआईसी हो गया। सेकेंड वन इज रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी मीन्स दोज कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट 2013, इसको बोलेंगे हम लोग रजिस्टर्ड कंपनी। जैसे नॉर्मल कंपनी कौन सा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स हो गया, आपका पार्ले हो गया, ब्रिटानिया हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ये सारे कौन से रहेंगे, रजिस्टर्ड कंपनीज। अब इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर और ये कंपनी एक्ट, तो इसमें डिफरेंस रहेगा। देखो पहले डिफरेंस देखते हैं। हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या, एक होता है कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर अगर कोई कंपनी फॉर्म होगा उसको बोलेंगे हम लोग कौन सा, स्टैट्यूटरी कंपनी, और जो कोई एक्ट के अंडर बनेगा उसको बोलते हैं हम लोग, जैसे कौन सा अपना है, कंपनीज एक्ट। इस कंपनीज एक्ट 2013 अभी लेटेस्ट चल रहा है, इसके अंडर अगर कुछ रजिस्टर होता है कंपनी उसको बोलते हैं हम लोग रजिस्टर्ड कंपनीज। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर तो हम डायरेक्ट बना देते हैं कंपनी, बट ये कैसे काम करेगा, कोई भी एक्ट बनने से पहले सबसे पहले होता है वो बिल। ये बिल कौन पास करता है, जो करंट गवर्नमेंट होगा वो। जैसे करंट गवर्नमेंट कौन सा, अभी फिलहाल अभी है कौन सा, मोदी है ना, बीजेपी की सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो मोदी जी क्या करेंगे, बिल लाएंगे। जैसे कंपनी एक्ट 2013 था, तब गवर्नमेंट किसका था, कांग्रेस का। तो उन्होंने क्या किया था, पहले बिल लाया था। कौन सा बिल, वो बिल था कौन सा, कंपनीज बिल 2013। वैसे तो ये ईयर तब लगाया जाता है जब बिल लाया जाता है, तो पहले क्या था, कंपनीज बिल 2013। फिर क्या होगा, फिर जाएगा ये कहाँ पे, लोकसभा। कौन लेके जाएगा, जो करंट गवर्नमेंट का पीएम होगा वो, जैसे मोदी जी लेके जाएंगे। ओके, फिर ये जाएगा कहाँ पे, लोकसभा में। अब यहाँ पे टोटल कितने मेंबर्स है, एट प्रेजेंट 543। अगर इनमें से 50% बोल दिए कि यस ये कंपनी बिल एक्सेप्ट होना चाहिए, तो फिर ये बिल यहाँ से पास हो जाएगा। कहाँ से पास होगा, लोकसभा से। फिर जाता है कहाँ पे, पास होने के बाद राज्यसभा। राज्यसभा में कितना सीट, एट प्रेजेंट 245 टोटल। अब इसमें से क्या होगा, 2/3 मेजोरिटी अगर बोल दिया, 2/3 मीन्स व्हाट, ये जो टोटल नंबर थे इसका 2/3 अगर उन्होंने बोला यस, तो ये बिल यहाँ से भी पास हो गया, कहाँ से, राज्यसभा। और फिर जाएगा फाइनली किसके पास, अपने प्रेसिडेंट के पास। ओके, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, इस पे असेंट देगा। असेंट मीन्स व्हाट, साइन देगा। साइन मीन्स व्हाट, ठीक है ये बिल पास हो चुका है, मैं साइन कर रहा हूँ। ये साइन होने के बाद फिर वो बनता है कौन सा, एक्ट। तो ये पूरा प्रोसीजर था। तो अगर कोई एक्ट पास होता है तो कैसे होता है, सबसे पहले बिल लाया जाता है। बिल कौन लाएगा, करंट गवर्नमेंट। कहाँ पे, पहले जाएगा लोकसभा। यहाँ पे कितना सीट था टोटल, 543। इसमें से 50% अगर बोले यस, तो आगे जाएगा। आगे कहाँ पे जाएगा, राज्यसभा। राज्यसभा में कितने मेंबर्स, 245। इसमें से अगर 2/3 ने बोला यस, तो ये जाएगा आगे किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट क्या करेगा, असेंट देगा, मीन्स साइन देगा, मीन्स परमिशन देगा। परमिशन के बाद ये बनेगा एक्ट। तो सबसे पहले ये होता है बिल। बिल होने के बाद, ये सारा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद बनता है एक्ट। और ये जो एक्ट बना था, ये कंपनीज बिल था पहले, कंपनीज बिल 2013। अब क्या बना, पास होने के बाद कंपनीज एक्ट, मतलब प्रेसिडेंट के साइन के बाद बना कंपनीज एक्ट 2013। इसके अंडर कोई अगर रजिस्टर्ड करता है अपने आप को एज अ कंपनी, तो उसको बोलते हैं हम लोग रजिस्टर्ड कंपनी। ओके, आई होप ये दो पॉइंट समझे होंगे आपको। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल कंपनी, मतलब स्टैट्यूटरी कंपनी, एक होता है रजिस्टर्ड कंपनी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर डायरेक्ट फ्रेम होगा, स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर डायरेक्ट फ्रेम होगा, उसको बोलेंगे हम लोग स्टैट्यूटरी कंपनी। कोई अगर एक्ट के अंडर रजिस्टर कर रहा है उसको बोलेंगे हम लोग रजिस्टर्ड कंपनी। तो आई होप ये समझ में आया रहेगा दो। तो ये हो गया, ये हो गया। अगले पॉइंट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।